हरे कृष्ण। तो पहले मैं आप लोगों को भक्ति शास्त्री के बारे में थोड़ा बताता हूँ। भक्ति शास्त्री क्या है, अंदर सब्जेक्ट में प्रवेश करने के पहले। भक्ति शास्त्री कोर्स जो है, ये स्वयं श्रील प्रभुपाद ने ही इसका डिजाइन किया। प्रभुपाद ने स्वयं डिजाइन किया है और प्रभुपाद ने इसका इनिशिएटिव लिया है भक्ति शास्त्री कोर्स का। एक्चुअली केवल भक्ति शास्त्री नहीं है, प्रभुपाद की इच्छा थी कि इस्कॉन में स्पिरिचुअल डिग्रियां दी जाएगी। जैसे भक्ति शास्त्र तो प्राथमिक है, प्राइमरी है, उसके बाद भक्ति वैभव है, भक्ति वैभव के बाद भक्ति वेदांत है, भक्ति वेदांत के बाद भक्ति सार्वभौम। प्रभुपाद ने 4 डिग्री इस्कॉन में भक्तों को करने के लिए कहा है। इस 4 डिग्री में भक्ति शास्त्री में भगवद गीता, ईशोपनिषद, उपदेश अमृत और भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति वैभव में भागवतम का पहला 6 स्कंद, भक्ति वेदांत में भागवतम का दूसरे 6 स्कंद मतलब 7 से 12, और भक्ति सार्वभौम में चैतन्य चरित अमृत। ये बेसिकली ये प्रभुपाद डिजाइन किया, और इसके अलावा षड् संदर्भ को भी ऐड करने का बातचीत चल रहा है जो जीव गोस्वामी ने लिखा हुआ है। तो ये सब ओवरऑल हम लोग का शास्त्र स्टडी है इस्कॉन का। इस शास्त्र स्टडी के ऊपर प्रभुपाद ने रूपरेखा देखे चले गए थे, लेकिन प्रभुपाद के समय में आरंभ नहीं हुआ था प्रॉपरली इंस्टीट्यूशनली आरंभ नहीं हुआ था भक्ति शास्त्री। उनके जाने के बाद भक्ति शास्त्री 10-15 साल के बाद चालू हुआ। तो पहले भक्ति शास्त्री जैसे मायापुर में गुरुकुल में होता था बच्चों के लिए, और आत्म तत्व प्रभु बोल के इस्कॉन के स्कॉलर एक बड़े वो सिखाते थे गुरुकुल में। और मैं जब भक्ति शास्त्री किया था मायापुर में 1997 में, उसमें मैं फर्स्ट पहला मायापुर का ब्रह्मचारी था जो भक्ति शास्त्री करने वाला। तब तक तो ब्रह्मचर्य आश्रम में भक्ति शास्त्री आया ही नहीं था जब मैं किया। तो उस समय हम एक गुरुकुल के एक स्टूडेंट ने हम लोग को सिखाया था भक्ति शास्त्री, हमको क्लास दिया था। उस समय हमको याद है, हमको 400 रुपया हमने फीस पेमेंट किया था। हम लोग वो अपना हम लोग को मंथली कुछ उस समय खर्चा करने के लिए मिलता था 150 रुपया कपड़ा और साबुन के लिए। तो उसमें से कुछ पैसा सेव करके 400 रुपया पे किया था हमने। वो बहुत 1997 की बात है, उस समय भक्ति शास्त्री हुआ। मैं पहला था उस समय, इंग्लिश में किया था, उस समय अच्छा परफॉर्म भी कर पाया था। उसके बाद ग्रेजुअली धीरे धीरे मायापुर में जन्माष्टमी प्रभु ने एक उद्यम इनिशिएटिव लिया और उन्होंने मायापुर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन की स्थापना की। तो उसमें हम लोग पहले स्टार्टिंग में हम लोग द मेंबर थे जो इसमें चर्निंग में थे MIH का। जन्माष्टमी प्रभु थे, अतुल कृष्ण प्रभु थे और हम लोग कुछ और भक्त थे। तो MIH स्टार्ट हुआ था मायापुर में, तब MIH के बैनर में हमने फर्स्ट भक्ति शास्त्री बेंगोली में लॉन्च किया था मायापुर में ब्रह्मचारी लोगों के लिए। और ऑलमोस्ट जितने भी मायापुर के सीनियर ब्रह्मचारी हमारे फर्स्ट बैच में वो लोग भक्ति शास्त्री किए थे। जब मैं सबसे छोटा था लेकिन मैं टीच करवा रहा था, सब मेरे से सीनियर थे जितने भी स्टूडेंट थे। MIH से स्टार्ट हुआ भक्ति शास्त्री मायापुर में। इसके पहले वृंदावन में पहले से चल रहा था BIHE, वृंदावन इंस्टीट्यूट हायर एजुकेशन पहले से ही चल रहा था। वहां पर बड़े बड़े स्कॉलर हैं जो क्लास करवा रहे थे और अभी भी चल रहा है। इस तरह से बेसिकली भक्ति शास्त्री लिमिटेड था कुछ जगह। अभी भक्ति शास्त्री इस्कॉन बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने ओपन कर दिया है। अभी पृथ्वी पे कई जगह भक्ति शास्त्री होता है, मतलब सैकड़ों जगह भक्ति शास्त्री हो रहा है। बहुत जगह बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो भक्ति शास्त्री करवाते हैं, बहुत मंदिर हैं जो भक्ति शास्त्री करवाते हैं, और बहुत इंडिविजुअल डिवोटीज हैं स्कॉलर से जो लोग भक्ति शास्त्री करवाते हैं। तो ये अलग अलग तरह से भक्ति शास्त्री हो रहा है। तो ये भक्ति शास्त्री जब MIH ने स्टार्ट किया, उसके बाद VTE वैष्णव ट्रेनिंग एजुकेशन
एक VTE का बोर्ड है, वो लोग ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया भक्ति शास्त्री कोर्स के पीछे। VTE में इस्कॉन के जो रासमंडल प्रभु है, जो इंग्लैंड में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वहां पर, उन्होंने वहां से मतलब कुछ कोर्स किया है, वहां पर वो पढ़ाते भी हैं। तो उन्होंने हम लोग का कोर्स डेवलपमेंट किया इस्कॉन का, जो भक्ति शास्त्री अभी जो मॉडर्न देख रहे हैं आप, जो एडवांस भक्ति शास्त्री जो बहुत सिस्टमेटिक हो रहा है, ये इसका श्रेय क्रेडिट जाता है इनको, VTE वालों को। तो VTE स्टैंडर्ड का भक्त वृक्ष, भी दो भक्त वृक्ष हो गया, एक VTE स्टैंडर्ड का एक नॉर्मल, तो इस तरह से दो चल रहा था। तो VTE में हम लोग नॉर्मल वाला किया था, हमला हमारे जमाने में नहीं था VTE, फिर VTE बाद में आया, फिर हम VTE में ट्रेनिंग लिया, VTE से करवा रहे थे भक्ति शास्त्री। उसमें रासमंडल प्रभु है, आप लोग सर्च करने से मिल जाएगा उनका नाम, अभी भी हैं, बहुत प्रभुपाद के शिष्य हैं, बहुत अच्छे स्कॉलर हैं। और नारायणी माता जी एक थी, आपकी नारायणी माता जी नहीं, दूसरी नारायणी माता जी जो प्रभुपाद के डिसाइपल है, वो थी। और भी कुछ माता जी लोग थे, श्रीमती माता जी, और भी कुछ प्रभु लोग थे, अतुल कृष्ण, सब लोग मिलके एक कोर्स डेवलप किया VTE। तो हम अभी जो भक्ति शास्त्री करवाए वो VTE स्टैंडर्ड का ही करवाना चाहते हैं और करते हैं। तो ये पहली बात हो गई। तो VTE भक्ति शास्त्री का डिफरेंस क्या है दूसरे भक्ति शास्त्री से, वो मैं थोड़ा समझाता हूँ उसे, कि आपको थोड़ा आगे सुविधा होगी, और कुछ नहीं है। VTE वालों ने पहले क्या किया, शास्त्र स्टडी करने का एम्स क्या है, उन्होंने एक बहुत ब्रेनस्टॉर्म करके, रिसर्च करके एक लिस्ट बनाया कि शास्त्र स्टडी करने का एम्स क्या है। तो उन्होंने सब स्कॉलर्स इस्कॉन के मिलके बनाया, बुक बनाया VTE का। मेरे पास सॉफ्ट कॉपी, अगर आप चाहेंगे तो शेयर कर दूंगा। उसमें 12 एम्स बताया शास्त्र पढ़ने का, ऑब्जेक्टिव्स। ये VTE का आपको बुक सामने दिख रहा है, ये शास्त्र स्टडी करने के 12 एम है। तो पहला है नॉलेज, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर पर्सनल एप्लीकेशन, प्रीचिंग एप्लीकेशन, फेथ ऑथोरिटी, थियोलॉजिकल एप्लीकेशन, इवेल्युएशन, मोड एडमिशन, एकेडमिक मॉरल इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग एंड शास्त्र चक्षु। ये सब आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको मेमोराइज की कोई जरूरत नहीं, जस्ट शेयर कर रहा हूँ आपको नॉलेज के लिए। तो इसको मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ तो आपको और ईजी हो जाएगा। पहले इसको समझने के लिए ये चार्ट देखने से ईजी हो जाएगा, ये चार्ट देखिए, इसको समझना आसान हो जाएगा। ओके, ये प्रभुपाद का चिट्ठी है जिसमें प्रभुपाद जी ने स्वरूप दामोदर महाराज को चिट्ठी लिखा था। इसमें चार कोर्स का प्रभुपाद ने नाम लिखा था और उनका बुक का नाम भी लिखा था, कौन सा बुक पढ़ाया जाएगा, और उसका डिग्री के लिए भी लिखा, BA, MA, PhD एक्सेट्रा। ये चार कोर्स का नाम है उसका, बुक्स का, ये सब रिलेवेंट बुक्स है। अभी शास्त्र स्टडी का ओवरऑल पर्पज क्या है, 12 एम है, और इस 12 एम को समझने के लिए एक चार्ट है नीचे, जो देखता हूँ वो चार्ट कितना नीचे है, अगर आ गया तो ठीक है। ड्रैग कर रहा है, ये रहा। देखिए, हम लोग कोई भी शास्त्र स्टडी करेंगे, कोई भी चीज स्टडी करेंगे, तो तीन चीज उसमें सीखना होता है। एक होता है नॉलेज, नॉलेज मतलब ज्ञान। एक होता है स्किल्स, स्किल्स मतलब टैलेंट, स्किल, दक्षता, कौशल, कार्य कुशलता। तो कार्य कुशलता या दक्षता स्किल्स कहते हैं। और वैल्यूज, वैल्यूज मतलब हमें जीवन में कुछ उतारने की वस्तु होती है। ये तीन चीज होता है, मतलब नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन। सिंपल लैंग्वेज में नॉलेज मतलब ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना, एप्लीकेशन मतलब जीवन में उतारना। ये तीन चीज होती है। जब हम शास्त्र स्टडी करेंगे कुछ ज्ञान मिलेगा, उसको फिर समझेंगे, फिर जीवन में उतारेंगे। ये बहुत, इसको तीन कैटेगरी में नॉलेज होता है। तो पहला होता है ज्ञान। ज्ञान मतलब आपको खाली मेमोरी रट लेना, मतलब कुछ चीज आप समझते नहीं, खाली रट लेना। से आगे के जमाने में बच्चे को गुरुकुल भेजते थे तो
तो उनको चार वेद रटा दिए जाते थे, उनको कुछ मीनिंग नहीं पता चलता था कि क्या मीनिंग है, खाली उनको गुरु क्या करते थे, रटाते थे। रटाने से क्या होता है, उनको जीवन भर वो सूत्र बन के दिमाग में बैठ जाता है, फिर लाइफ टाइम उसको काम आता है। तो शास्त्र का पहला अध्ययन करने का मकसद है, फर्स्ट गोल होता है शास्त्र को रटना, मतलब पूरा शास्त्र को नहीं रटना है, जो जो जरूरत है उसको रटना। जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, बचपन में जब हम लोग स्कूल में जाते थे, हमको पहाड़ा रटाया जाता था, है ना, बड़े बड़े पहाड़े हम लोग रटते थे। आप में से जो मेरे एज से, मेरे से ज्यादा एज वाले, उनको पता होगा, तो बड़े बड़े पहाड़े रटते थे, हाँ, 20 का पहाड़ा, 25 का पहाड़ा, 27 का पहाड़ा, 31, 32 का। अभी आज की डेट में आप कोई बच्चे को बताइए कि आप 32/7 कितना होता है, ये किसी बच्चे को पूछिए, वो बिना कैलकुलेटर का आपको नहीं बता सकता है कि 32/7 क्या होता है, नहीं बता सकता बिना कैलकुलेटर। इवन पेपर पेन देंगे तो उसको टाइम लगेगा बताने में। लेकिन एक आप जिसने पहाड़ा पढ़ा है, बुजुर्ग व्यक्ति, उसको पूछिए, वो आप एक सेकंड में बता देगा, क्योंकि वो पहाड़ा में आता है, 31, 32 को 1, 2, 3, 4 पूरा सीख लेते हैं। तो ये रटने का बहुत उद्देश्य होता है, और इसे बहुत सारे छोटी छोटी कहावत होती है, और कहावत को हम लोग रट लेते हैं और बहुत काम में आती है। तो ये है, जैसे संस्कृत के कुछ श्लोक है जिसको रट लेना, या प्रभुपाद के कुछ तात्पर्य में से कुछ लाइन है इम्पोर्टेंट, उसको हाईलाइट करना, उसको रट लेना, वो लाइन है काम आएगी हमारे जीवन में। तो क्या क्या काम में आएगी, कुछ ऐसी लाइनें होती है जो हमारे जीवन में काम आएगी, कुछ ऐसी लाइन है जो प्रचार में काम आएगी, कुछ ऐसी लाइन है जो कल्चर में काम आएगी, अलग अलग लाइन्स रहती है परपोर्ट में या फिर श्लोक में। तो उसको तो हमारे इस्कॉन में जो शास्त्र स्टडी करने का हमारा मकसद है, जो शास्त्र मतलब भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत, भक्ति सार्वभौम, ये सब स्टडी करने का मकसद है, पहले तो नॉलेज प्राप्त करना, कुछ रट लेना श्लोकों को, कुछ पैराग्राफ को रट लेना, कुछ ट्रांसलेशन को रट लेना, कुछ प्रभुपाद के इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स को रट लेना, या फिर कुछ एनालॉजीज जो प्रभुपाद है उसको रट लेना। ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है भक्ति शास्त्री का। तो पहले आपका नॉलेज टेस्ट होगा। दूसरा है स्किल्स। स्किल्स मतलब कुछ करने की टैलेंट्स या अंडरस्टैंडिंग, दोनों एक ही लेवल में, स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझना। एक तो खाली रटना था, दूसरा था समझना, और तीसरा है वैल्यूज। अच्छा, नॉलेज मतलब टू नो, हाँ, टू नो को नॉलेज कहते हैं, और स्किल मतलब टू बी, मतलब बनना, एंड सॉरी स्किल मतलब टू डू, मेरा अटेंशन दूसरे कहीं चला गया, और वैल्यूज मतलब टू बी। सो टू नो, टू डू एंड टू बी, ये तीन लेवल में हमारा नॉलेज आता है। पहले हम जानते हैं, फिर टू डू मतलब करना, टू बी मतलब बन जाना। तो शास्त्र में भी, हमारे जो वैदिक शास्त्र में भी तीन चीजें, संबंध, अभिधेय, प्रयोजना। संबंध क्या होता है, संबंध में होता है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण भगवान है, मैं उनका अंश हूँ, ये जानना संबंध है। ये माया देवी हमको बांध के रखी है, फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है, मटेरियल वर्ल्ड क्या है, इसको बोलते संबंध ज्ञान, वो नॉलेज में आता है। उसके बाद टू डू मतलब अभिधेय। अभिधेय में क्या, अच्छा हम जान गए कि हम कृष्ण के अंश है, तो अभिधेय मतलब आपको बताता है कि क्या करना है, खाली जान के उसको करोगे क्या, जान के क्या करोगे, तो जान के हम चैंटिंग करेंगे, जप करेंगे उनका नाम, जान के हम उनकी पूजा करेंगे, मनमना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, ये हो गया अभिधेय टू डू। और वैल्यूज टू बी मतलब प्रयोजन, मतलब हमारे शास्त्र में कहते हैं स्वरूप सिद्धि, बन जाना, क्या बनना, हम तो बोल रहे हैं कि मैं भगवान का दास हूँ, लेकिन एक्चुअली तो मैं भगवान का दास बना नहीं हूँ। बनना मतलब स्वरूप सिद्धि, गोल लक्ष्य को प्राप्त करना, वो बन जाना भगवान का दास, पूरा बन जाना, रियल में भगवान का दास बन जाना। तो शास्त्र में भी तीन चीज आती है, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, जो बाहर के वर्ल्ड में ये नॉलेज, स्किल एंड वैल्यूज बोलते हैं, उसी हमारे लिए यही तीन चीज ये है। तो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन। तो इसी पर हमारा जो भक्ति शास्त्री
या जो हमारे स्कूल का जो एजुकेशन है उसका एग्जाम भी तीन प्रकार का होता है। एक नॉलेज बेस्ड एग्जाम होता है, एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है, एक एप्लीकेशन बेस्ड होता है। तो तीन प्रकार के पेपर आएंगे आपके लिए। पहला पेपर है नॉलेज बेस्ड, उसको बोलते क्लोज्ड बुक एग्जाम। वो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन, ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इसको कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, क्लोज्ड बुक एग्जाम। आपको बुक बंद करके इसका लिखना है और शॉर्ट आंसर लिखना है। तो ये पहला टेस्ट होगा नॉलेज बेस्ड, रटने वाला टेस्ट, कुछ चीज आपको रटनी है। दूसरा एग्जाम होगा, वो भी क्लोज्ड बुक है लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन है, जो 4 से 5 मार्क के क्वेश्चन होंगे, इसको कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। उसमें क्वेश्चन होंगे 5-6 लाइन के क्वेश्चन होंगे, तो दैट इज अंडरस्टैंडिंग टेस्ट होगा। उसमें आपको रटना नहीं, आपको अपने लैंग्वेज में बोलना पड़ेगा। जो नॉलेज में आपको आपका लैंग्वेज यूज नहीं करना है, नॉलेज टेस्ट में आपको प्रभुपाद ने जो लैंग्वेज यूज किया उसी लैंग्वेज को यूज करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड नॉलेज, मतलब क्लोज बुक एग्जाम, शॉर्ट क्वेश्चंस। बट जो लॉन्ग क्वेश्चन है 4-5 मार्क के, उसमें आपको यू हैव टू यूज योर लैंग्वेज, नॉट लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट बुक। सो दैट इज कॉल्ड क्लोज बुक एग्जाम बट लॉन्ग क्वेश्चंस। तो ये दूसरा 4-5 मार्क के क्वेश्चन है, दूसरा पेपर। तीसरा पेपर होगा एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन में क्या होगा, एप्लीकेशन में आपको ये जो 12 एम है हमने जो पहले बताए, उसमें से नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, ये दो पेपर में तो दो चीज हो जाएगा, लेकिन बाकी जो जितने भी एम है वो कवर होगा उसमें, तीसरे पेपर में। तीसरे पेपर में बाकी सब कवर होगा। तो वो तीसरा पेपर ये क्या चीज है, ये पर्सनल एप्लीकेशन, प्रीचिंग एप्लीकेशन, ये दो चीज को हम लोग फोकस करते हैं इसमें। मतलब आपने जो पढ़ा है, आपने जो समझा है, वो आपके जीवन में आपको उतारना है। तो जीवन में कैसे उतारेंगे, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आएंगे। ये ओपन बुक क्वेश्चन है, इसमें आपको बुक बंद नहीं करना, बुक खुला रख के बुक को रेफर करके आपको आंसर लिखना है। और आप में कोई भी बुक का वर्ड आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आप पढ़ेंगे बुक को, समझेंगे, उसके बाद आपको खुद अपने रियलाइजेशन से लिखना है। वो कहते हैं ओपन बुक एग्जाम। तो थर्ड पेपर होता है ओपन बुक का। वो क्वेश्चन बड़ा होता है, उसको ऐसे क्वेश्चन भी कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन होगा जो 200 शब्दों में, 300 शब्दों में लिखना है। तो दिस थर्ड थ्री प्रकार का लैंग्वेज एग्जाम होगा, ठीक है। तीन प्रकार का परीक्षा, तो पर्सनल एप्लीकेशन, प्रीचिंग एप्लीकेशन, जो बाकी जो चीजें हैं वो उसमें कवर होगी। मैं जब वो आपको पेपर दूंगा तब मैं समझाऊंगा कि ये कैसे उसको एक्सप्लेन करना है। कभी सब बोलूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, दिमाग के ऊपर से चला जाएगा। तो जो समझ में आ रहा है वही बता रहा हूँ आप लोगों को। बाकी एक बार खाली बोल देता हूँ, जो लोग का थोड़ा नॉलेज है वो समझ लेंगे। प्रीचिंग एप्लीकेशन जानते हैं कि कैसे प्रचार में यूज करना है। फेथ, फेथ मतलब शास्त्र के प्रति श्रद्धा हमारी बढ़नी चाहिए। जितना हम शास्त्र स्टडी करेंगे उतनी हमारी श्रद्धा कृष्ण के प्रति, गुरु के प्रति, नाम के प्रति, विग्रह के प्रति श्रद्धा बढ़ती जानी चाहिए। ये एक ऑब्जेक्टिव है हमारा शास्त्र स्टडी करने का। छठा ऑथोरिटी, ऑथोरिटी ठीक है, ऑथोरिटी नहीं, ऑथोरिटी मतलब यहाँ पर ऑथोरिटी मतलब हमारा इंचार्ज नहीं, प्रेसिडेंट नहीं, ऑथोरिटी मतलब साधु गुरु शास्त्र, इसको ऑथोरिटी कहते हैं। साधु ऑथोरिटी है, गुरु ऑथोरिटी और शास्त्र ऑथोरिटी है, तीन ऑथोरिटी हम लोग मानते हैं आध्यात्मिक जगत में। मतलब ऑथोरिटी का मतलब ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज। तो ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज, देयर आर 3 ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज। पहला है शास्त्र, लेकिन शास्त्र तो बहुत बड़ा है, आपके लिए कौन सा आपको पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, फिर गुरु के पास जाएंगे कि मेरे लिए इसमें कौन सा अप्लाई होगा, कौन सा नॉलेज मेरे लिए है। और वो अगर आपको इसमें भी डाउट है तो फिर साधु के पास जाएंगे उसको वेरीफाई करने के लिए। तो साधु बोलेगा तो गुरु से वेरीफाई करेंगे, गुरु बोलेंगे तो साधु से वेरीफाई कर सकते अगर डाउट है तो। और शास्त्र, तीनों का मैच करने के बाद हम लाइफ में अप्लाई करना चाहिए, इसको बोलते हैं ऑथोरिटी। तो हमारा ऑथोरिटी साधु गुरु शास्त्र है। कोई पोस्ट पोजिशन से ऑथोरिटी नहीं बनता है। वो ऑथोरिटी हमारे मटेरियल लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं,
लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ को कंट्रोल करने के लिए ऑथोरिटी है साधु गुरु शास्त्र। तो साधु गुरु शास्त्र, अगर कुछ साधु कुछ बोलता है हमको शास्त्र में वेरीफाई करना चाहिए या गुरु से वेरीफाई करना चाहिए। गुरु कुछ बोलते हैं हमको डाउट है तो शास्त्र और साधु से वेरीफाई करना चाहिए। शास्त्र कुछ बोलता है हमको डाउट है तो गुरु और साधु से वेरीफाई करना चाहिए। ये सिद्धांत है, इसको कहते हैं ऑथोरिटी। ठीक है, तीनों का पक्का मिलने के बाद हमको लाइफ में अप्लाई करना है। थियोलॉजिकल एप्लीकेशन और बहुत हाई फाई चीजें आप लोगों को जरूरत नहीं अभी भक्ति शास्त्र में। इवेल्युएशन मतलब कंपेरिजन करना, कौन अलग अलग सिचुएशन में विच डिसीजन इज बेटर, ये इवोल्यूशन का एक स्किल है। वो स्किल हमको डेवलप करना होता है, जो लोग आगे बढ़ते हैं शास्त्र में उनको स्किल है, एक प्रकार की दक्षता है, जो अलग अलग सिचुएशन में विच इज बेटर वो डिसाइड कर सके शास्त्र के सिद्धांत के ऊपर, कि दोनों दो प्रॉब्लम है, दोनों में से कौन सा प्रॉब्लम को स्वीकार करना है, कौन सा प्रॉब्लम को रिजेक्ट करना है। मूड एंड मिशन मतलब हमारा मेंटेलिटी, मनोभाव, मूड, प्रभुपाद का मूड क्या है वो जानना। एकेडमिक इंटीग्रिटी का मतलब है, एकेडमिक एंड मॉरल इंटीग्रिटी का मतलब है कि जो शास्त्र में जो बातें लिखी है अगर वो हमको पसंद नहीं है फिर भी हम उसको एक्सेप्ट करें और उनको ऑनेस्टली स्वीकार करें कि ये शास्त्र में लिखा है यद्यपि मैं उसको फॉलो नहीं कर रहा हूँ, इसको ऑनेस्टी व इंटीग्रिटी कहते हैं। रिस्पॉन्सिबल लर्निंग का मतलब है कि सबको हमें स्वयं से शास्त्र अध्ययन करने का एक चस्का लग जाना चाहिए, वो इसका अर्थ है, खुद हम अध्ययन करने लग जाए, हमको बिना कोई इम्पेटस के, बिना कोई मोटिवेशन के हम स्टडी करना शुरू कर लें शास्त्र को। लास्ट में शास्त्र चक्षु का अर्थ है कि हमें शास्त्र की दृष्टि से सब कुछ देखने को सीखना है। तो ये 12 ऑब्जेक्टिव वो लोग ने रिसर्च करके निकाला VTA वालों ने। अभी दूसरे इंस्टीट्यूट है वो लोग ने इसमें से सबको एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि ये बोर्ड एजुकेशन बोर्ड का नहीं है, ये एक पर्टिकुलर VTA स्टैंडर्ड का ये है इसमें। लेकिन जितने भी इंस्टीट्यूट हैं सबको छूट दी गई है, वो कैसे सिखाएंगे किस प्रकार से, कुछ बेसिक लिमिटेशन और बाउंड्री दिया है, उसके अंदर जिसको जैसा खेलना है खेल सकते हैं। ओके, अभी आप लोग को मैंने बेसिकली ये बता दिया क्या नाम VTA क्या है और 12 AM है शास्त्र का, बुक एग्जाम कैसे होगा, कैसे होता है हम लोग का एग्जाम कैसे होगा वो भी बता देता हूँ। तो क्या क्या होगा एग्जाम, क्या क्या टेस्ट होगा बता देता हूँ। तो हम लोग का एग्जाम क्या होगा, एक तो श्लोका होगा, इस्कोन का जो बोर्ड है, एजुकेशन बोर्ड है, मिनिस्ट्री है, वहां से 45 श्लोक कंपल्सरी दिया हुआ है, तो सब भक्ति शास्त्री टीचर को सिखाना होता है। लेकिन कुछ टीचर उसमें ऐड भी कर सकते हैं लेकिन कुछ सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, कुछ निकाल नहीं सकते, मिनिमम 45 है। तो हम तो पिछली बार भक्ति शास्त्री में करीब 100-150 श्लोक करवाए थे, इस बार उतना पॉसिबल नहीं होगा, तो हम करीब 60-70 श्लोक आप लोगों को याद करवाएंगे, उसके ऊपर टेस्ट होगा। तो 50-60 श्लोक है, उसका हम ऑलरेडी नंबर आप लोगों को शेयर कर देंगे। और भक्ति शास्त्री हम लोग का 5 यूनिट में डिवाइड होगा। पहला हो गया गीता का पहला 6 अध्याय, वो करके हम एक टेस्ट होगा पहला यूनिट का, फिर दूसरा 6 अध्याय फिर टेस्ट होगा, फिर तीसरा 6 अध्याय फिर टेस्ट होगा, फिर ऐसे 3-6 अध्याय हो जाएगा। उसके बाद भक्ति रसामृत सिंधु का एक टेस्ट होगा और ईशोपनिषद और उपदेशामृत का, एक एक ऐसे होगा। तो 5-6 एग्जाम में पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो जब 6 अध्याय के बाद जब टेस्ट होगा तो उसमें 6 अध्याय के बाद इस यूनिट जैसे हम आज आरंभ कर रहे हैं, ये आज 6 अध्याय खत्म होगा तो आपको क्या क्या टेस्ट होगा। एक तो श्लोक का टेस्ट होगा, इस 6 अध्याय से हमने 19 श्लोक सिलेक्ट किया है, 19 श्लोक पहला 6 अध्याय से 19 श्लोक आप याद करेंगे, उसके ऊपर मेमोरी टेस्ट होगा, ये नॉलेज टेस्ट है मेमोरी टेस्ट है। उसके बाद क्लोज्ड बुक क्वेश्चन, और इस सब क्वेश्चन मैं आपसे शेयर कर दूंगा, 1-2 दिन 2-4 दिन के अंदर शेयर कर देंगे, और इसी क्वेश्चन से हम लोग फाइनल टेस्ट लेंगे ये 6 अध्याय के बाद। तो उसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें ऐसे क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन हम लोग क्लास के बीच में डिस्कस करते रहेंगे।
जब जब जो टॉपिक चलता रहेगा डिस्कस करते रहेंगे। तो जो क्लोज्ड बुक एग्जाम है वो फिजिकल एग्जाम होगा, 6 अध्याय खत्म होने के बाद हम अलग अलग लोकेशन पे एग्जाम करेंगे, वहां पर आप आ जाएंगे। और ओपन बुक एग्जाम जो है वो आपको कम से कम ये यूनिट खत्म होने के कम से कम 10 दिन पहले क्वेश्चन दे दिया जाना चाहिए, 10 दिन पहले दे देंगे, ताकि आप यूनिट खत्म होते होते आप घर बैठ के उसको लिख के सबमिट करेंगे घर बैठ के। ये 3 प्रकार का एग्जाम अभी है, एक स्लोका टेस्ट होगा और एक आपका क्लोज बुक एग्जाम होगा फिजिकल वहां पर, और एक आप घर बैठ के ओपन बुक असेसमेंट लिख के जमा देंगे। और आपका साधना, हम लोग एक साधना का बना रहे हैं चार्ट, जो साधना चार्ट बन जाएगा वो आपको मोबाइल में डेली आ जाएगा लिंक, तो मोबाइल में या बटन दबाने से आपका साधना चार्ट इनपुट हो जाएगा। मोबाइल में इनपुट करना होगा, उसमें कितना जप किया वो मोबाइल में हम बनाएंगे फॉर्मेट, तो वो आपका अपलोड हो जाएगा हमारे इधर और सबका साधना एक चार्ट में आ जाएगा। तो साधना के ऊपर मार्क रहेगा। और होमवर्क जो क्लास के बीच बीच में हम होमवर्क करते रहेंगे, ग्रुप वर्क करते रहेंगे, उसके ऊपर भी मार्क रहेगा। तो ये बेसिकली 5 प्रकार का आपका असेसमेंट हो रहा है, एक श्लोका का असेसमेंट, एक क्लोज बुक का असेसमेंट, एक ओपन बुक का असेसमेंट, एक साधना का असेसमेंट और होमवर्क का असेसमेंट। तो देखिए हमारा 3 प्रकार के पार्टिसिपेंट हैं भक्ति शास्त्री में। एक पार्टिसिपेंट है जो एग्जाम देंगे प्रॉपर और उनको सर्टिफिकेट चाहिए, तो ये फुल फ्लेज भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, उनको फुल गुरुदक्षिणा फुल देंगे वो लोग, जो हम लोग निर्धारित किए जो भी। और दूसरा एक कैटेगरी है जो लोग एग्जाम नहीं देना चाहते लेकिन क्लास में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उनके लिए सेकेंड कैटेगरी जो हमने बताया। तो आप लोग को क्या क्या साधना करना होगा, मैं आप लोग का साधना का अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं क्लास में, मतलब आप जो कंसेशन रेट में अगर पार्टिसिपेट करते हैं, तो मैं आपका साधना का देखभाल करूंगा और आपका होमवर्क में पार्टिसिपेट करवाऊंगा, लेकिन आपको कहीं पर मार्किंग का चक्कर नहीं रहेगा, एग्जाम में मार्क नहीं रहेगा, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और एक तीसरा कैटेगरी जो कुछ नहीं करना चाहते, जो जो नहीं चाहते कि हम उनकी साधना भी हम नहीं देखेंगे, नहीं देखना देखें, या हम उनको होमवर्क में भी इन्वॉल्व नहीं करें, पार्टिसिपेट ग्रुप में ग्रुप एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, यहाँ पर बोलना नहीं चाहते हैं, खाली सुनना चाहते हैं, तो उनके लिए यूट्यूब में लेक्चर सुन सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर आ जाएगा वो सुन सकते हैं, खाली सुनना चाहते हैं। तो 3 कैटेगरी में अलग अलग डिवोटी है, जिनको जो पसंद है वो करिए, किसी को कोई फोर्स नहीं होना चाहिए। आप लोग ने, बहुत लोगों ने स्टडी किया कल इंट्रोडक्शन, बहुत लोग ने कमेंट में लिखा है कि अपना पढ़ना हो गया, बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली 3 सितंबर को, 3 सितंबर से इस्कोन का इंटरनेशनल बुक रीडिंग का वीक बोल के डिक्लेयर किया, तो मुझे अच्छा लगा कि इस बुक डे रीडिंग का जो वीक है उसी में आप लोग ने बुक रीडिंग कर लिया बहुत ज्यादा, तो हमारी तरफ से ये ऑफरिंग हो गया प्रभुपाद को बुक रीडिंग का, 30 पेज 35 पेज सबने रीडिंग किया। अभी जो आपने रीडिंग किया उसके ऊपर अभी मैं ग्रुप डिस्कशन होगा, आप सबको मैं ग्रुप में डिवाइड कर दूंगा। तो क्या चर्चा करना है, आपने जो इंट्रोडक्शन पढ़ा है भगवद गीता का भूमिका, उसमें से सबको बोलना है, एक पॉइंट का आंसर देना है कि हाउ टू रिसीव नॉलेज ऑफ भगवद गीता, भगवद गीता का ज्ञान कैसे प्राप्त करना चाहिए, प्रभुपाद ने क्या डायरेक्शन दिया है, भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रभुपाद ने भूमिका में क्या डायरेक्शन दिया है। अरे बोल, प्रभु, सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि भगवत गीता सुनने से पहले हमारा भाव यह होना चाहिए कि भगवान कृष्ण ही स्वयं भगवान है, और हम ये भाव रख ही भगवान से, मतलब भगवत गीता पढ़नी चाहिए, और जन्म मृत्यु से हम कैसे निकले ये हमेशा चेष्टा करती रहनी चाहिए। नंबर 2 है, हमें भगवत गीता गुरु परंपरा से ही सीखना चाहिए, और मानव को जो 4 समस्याएं हैं जैसे जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि, ये भी हमें लोगों ने भगवत गीता से ही सीखा है, जाना है। नंबर 3 है, सूर्य देव मनु, इस फिर मनु ने ईसा को इस तरह गुरु परंपरा द्वारा दिया है, तो हम लोग ये समझ पाए कि भगवत गीता जो है वो नया नहीं है, जो भगवत गीता के कुरुक्षेत्र में ही कहा गया, ये एक्चुअली सनातन काल से ही चला आ रहा है, जो भगवान ने सभी को दिए हैं। और 3रा, 4था है कि जो
मानव है जो चार कैटेगरी में बांटे हैं, एक निर्विशेष ज्ञानी योगी और भक्त है, ये भी हम लोग जान पाए हैं। पांचवा है भक्त किस तरह कष्ट पा रहा है और जीव किस तरह कर्मों में बंध कर कष्ट पा रहा है, ये हम लोग भगवद्गीता से हम लोग जान पाते हैं। नंबर सिक्स भगवान से पांच तरीके से हम लोग संबंध स्थापित कर सकते हैं, निष्क्रिय अवस्था में, सक्रिय अवस्था में, सखा रूप में, माता पिता के रूप में, और पांचवा है पति पत्नी के रूप में भी हम लोग भगवान से मतलब संबंध स्थापित कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने सेवन पॉइंट हम लोग ये भी जानते हैं कि जीव क्या है, प्रकृति क्या है और काल किस तरह हम लोग को नियंत्रण करता है, ये भी हम लोग जान पाते हैं। नंबर लास्ट हम लोग का एट पॉइंट है प्रकृति तीनों गुणों से बना हुआ है, जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है वो तीन गुणों से बना है, सत्व रजो और तमो गुण से, और हम लोग जब तक अपने आप को शरीर मानकर इस भौतिक सुख में पड़े रहेंगे तब तक हम लोग सत्व रजो गुण में ही तमो गुण में से ही प्रभावित होते रहेंगे। अगर हम लोग ये तीनों गुण से निकलना है तो हमें भगवान को केंद्र पर रखकर ही काम करना होगा। हम लोग भगवान को केंद्र पर रखकर सत्व रजो तमो गुण में काम करेंगे भी तभी हमारे कर्म जो है शुद्ध हो जाएंगे और हम लोग भगवत भक्ति प्राप्त कर सकते। हरे बोल। थैंक यू विनोद महाथपु, अच्छा जल्दी जल्दी में अच्छा कर लिया प्रेजेंटेशन। हरे कृष्णा, मैं ग्रुप सिक्स का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मेरे ग्रुप में मालिनी माता जी, गीता माधवी माता जी, विनय अग्रवाल प्रभु और संतोष प्रभु थे। तो हम लोग ने जो डिस्कशन किया, आपका क्वेश्चन यही था कि हाउ टू रिसीव नॉलेज ऑफ भगवद गीता। तो इसमें जैसे भूमिका में क्लियर बताया गया है कि भगवद गीता हम लोगों को गुरु परंपरा से ही प्राप्त होना चाहिए, और गुरु परंपरा भी ये हुआ था कि जैसे भगवान बोलते हैं उसमें कि उसने उन्होंने पहले सूर्य को दिया था, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु को दिया था, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था, पर धीरे धीरे काल के अनुसार ये विनष्ट हो गया था, इसीलिए भगवान ने इसको फिर से लाया अर्जुन के माध्यम से। उसी तरह हम लोगों को ये शिक्षा को ऑथेंटिक गुरु परंपरा से ही सीखना चाहिए, इधर उधर जाएंगे तो हम लोग सही जो निर्देश है उसको नहीं सीख पाएंगे। दूसरा है कि हम लोगों को भगवान पे, गुरु पे और शास्त्र पे सुदृढ़ विश्वास होना चाहिए, वो विश्वास से ही हम लोग उसको सीख पाएंगे। तीसरा है जैसे बोले हैं प्रभुपाद की, जैसे मेडिसिन हम लोग लेते हैं, मेडिसिन में जो इंस्ट्रक्शन दिया रहता है उसी हिसाब से ले लेते हैं, तो उसको इधर उधर नहीं लेते हैं, नहीं तो फिर जो काम करना चाहिए मेडिसिन का वो नहीं काम करेगा। उसी हिसाब से जैसा इंस्ट्रक्शन बोला गया है भगवद गीता में उसको एज इट इज फॉलो करना है। अगर हम लोग अपना मन से कुछ मनगढ़ंत अपना नरेशन बना के उसको नहीं पढ़ सकते हैं। यही तीन हम लोग को विश्वास रख के आगे बढ़ना है भगवद गीता। हरि बोल। हरे कृष्ण। तो धीरज प्रभु बहुत सुंदर शॉर्ट टाइम में आपने पूरा कर पाए। सारथी ऋषिकेश प्रेमानंद, ओके सारथी ऋषिकेश आप आ जाइए, उसके बाद प्रेमानंद प्रभु रेडी रहिए। हमारा ब्रेकआउट रूम नंबर 3 था, तो आपका प्रश्न था कि हाउ टू गेन नॉलेज, हाउ टू एक्सेप्ट नॉलेज ऑफ फ्रॉम द भगवद गीता। तो पहला पॉइंट हमने जो डिस्कस किया वो है कि जैसे हम दवाई लेते हैं एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द डॉक्टर और एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन ऑन द लेबल ऑफ द मेडिसिन, उसी हिसाब से हमको भगवद गीता भी एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ गुरु एंड आचार्य, और एज इन जैसे भगवद गीता में खुद भगवान ने बताया कैसे इस नॉलेज को गेन करना है, उसी हिसाब से हमको ये नॉलेज को एक्सेप्ट करना चाहिए थ्रू गुरु परंपरा। सेकेंड पॉइंट जो हमने किया कि एक्सेप्ट एज गिवन बाय द आचार्यज ऑफ द परंपरा, जैसे हमारे आचार्यज ने बताया कि कैसे हमने ये नॉलेज हैंडेड डाउन है एक आचार्य से दूसरे आचार्य को, उसी हिसाब से हमको परंपरा से जुड़ के ही ये नॉलेज को गेन करना चाहिए। तीसरा है कि हमें ये विदाउट एनी मेंटल स्पेकुलेशन, हमें अपने बारे में हमें अपना कोई अपना थ्योरी या इंटरप्रिटेशन नहीं डालना है, जैसे आचार्यों ने इसमें लिखा हुआ है, आचार्यों के द्वारा दिया गया इंस्ट्रक्शन है एंड एक्सप्लेनेशन है, उसी को हमको एक्सेप्ट करना है विदाउट एनी चेंजेस और कोई हमको अपना इंटरप्रिटेशन नहीं करना है उसमें। फोर्थ हमने बताया कि वी शुड हैव फेथ कि भगवान कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड एंड हमको उनका उनका जो ये है विद इन अ मूड ऑफ सबमिसिवनेस हमको ये एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट है कि हमको टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ भगवद गीता वी मस्ट स्टडी द एज डिवोटीज ऑफ कृष्णा बिकॉज नॉट एज स्कॉलर और फ्रॉम अ स्कॉलरली व्यू पॉइंट बट फ्रॉम अ व्यू पॉइंट एज डिवोटीज, ताकि हम इसका एक्चुअल ये करेंगे। जैसे अर्जुना एज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा को उन्होंने जैसे उसको नॉलेज उनको मिला, उन्होंने गेन किया इसका अंडरस्टैंडिंग, वैसे अंडरस्टैंडिंग हमें गेन करने के लिए हमें एज अ डिवोटी इसको अप्रोच करना चाहिए। अरे बोल, अरे बोल, थैंक यू वेरी मच सारथी प्रभु। और धीरजपुर ने अच्छा किया आपने ग्रुप मेंबर का नाम बोल के, अच्छा लगा वो हमको सुन के। नेक्स्ट कौन प्रेजेंट कर रहे हैं? विजय शर्मा प्रभु का हैंड रेज है, आप आइए विजय शर्मा प्रभु। प्रेमानंद प्रभु देखने रहे। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तो बोले डिस्कस हुआ कि भगवद गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है और समक्ष वैदिक जो वैदिक
स्रोत वैदिकों का स्रोत है, और इसमें भगवान ने गुरु परंपरा का विस्तार किया। जो भगवान से जो सूर्यदेव को ज्ञान प्राप्त हुआ, वही ज्ञान हम लोग प्रभुपाद के द्वारा हम लोग को प्राप्त हुआ, इसके बारे में डिस्कस हुआ है। उसके बाद में डिस्कस हुआ कि हम लोग को गीता समझने के लिए पहले भक्ति होना चाहिए, भक्ति भाव से ही हम इसको समझ सकते हैं। उसके बाद में इसके बारे में एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से कुछ लोग बताएं कि जैसे एक प्रिस्क्रिप्शन होता है उसी हिसाब से हम लोग को जैसे दवा लेना पड़ता है, उसी तरह से हम लोग को भगवद गीता का गुरु के द्वारा हम लोग को समझना चाहिए। और तीसरा एक तोता के बारे में बताएं, तो दो तोता है, एक जीव है, एक परमात्मा है। तो जैसे हम लोग जीव है, तो जब तक हम लोग भगवान के प्रति नहीं देखेंगे तो परमात्मा भी हमारे प्रति नहीं देख पाएंगे, इसका डिस्कस हुआ। और तीसरा कि हम लोग को कोई सामाजिक या निजी आर्थिक लाभ के लिए जहाँ पर गीता का ज्ञान दिया जाता होगा या ऐसा, उस जगह से हम लोग का गीता ज्ञान नहीं लेना चाहिए। और इसमें प्रभु, ओके थैंक यू विनीत मंडल प्रभु, आप आ जाइए। हाँ हमारे ग्रुप में, हमारा ग्रुप का नंबर 4 था प्रभु, और इसमें कुछ प्रभु और कुछ माता जी थे। तो हमारे में डिस्कस हुआ था कि भगवत गीता को जैसे गीतोपनिषद भी बोला जाता है, और ये जो गीता हम लोग पढ़ रहे हैं जो प्रभुपाद ने लिखा है, तो हम इसे क्यों पढ़े? ऐसे कि मार्केट में पूरे विश्व में काफी सारे कमेंटेटर्स ने अपने अपने व्यू पॉइंट रखे, लेकिन जैसे प्रभुपाद ने बोला है, जैसे बोला गया है कि दे हैव नेवर टच्ड द स्पिरिट ऑफ भगवत गीता, उन्होंने अपने व्यू पॉइंट रखे हैं, नहीं कि भगवान ने जो बोला उसको नहीं रखा है। तो क्योंकि ये जो गीता है इसमें साफ लिखा गया भगवत गीता एज इट इज, ये लिटरली बताया जा रहा है एज इट इज ना, तो भगवान ने कुछ माइनस और कुछ प्लस नहीं किया, जैसे भगवान ने बोला है और से ही उसको प्रेजेंट किया है। तो ये ऑथोरेटिव है हमारा गीता जो है भगवत गीता। और हमें जैसे एक जो भगवत गीता है ये एक, जैसे कि हम एक संप्रदाय में पढ़ते हैं ब्रह्म गौरव संप्रदाय, तो हमें उस एक संप्रदाय के हिसाब से चलना चाहिए। हम जैसे 4 संप्रदाय है, उसमें से हम लोग ब्रह्म गौरव संप्रदाय में पढ़ते हैं, तो हमें उस संप्रदाय में पढ़ना चाहिए, और विद द हेल्प ऑफ अ पर्सन हु इज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, क्योंकि विदाउट एनी इंटरप्रिटेशन हमने कुछ अपना कुछ सोचना नहीं है कि हम ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी नहीं, जो गीता में लिखा गया हमें उसी माध्यम से पढ़ना चाहिए विद द हेल्प ऑफ अ गुरु और शिक्षक गुरु। और जैसे कि बाकी भक्तों ने बताया है कि एक मेडिसिन का एग्जाम्पल दिया कि जब हमें कुछ बीमारी होती है तो हम एक फिजिशियन का के हिसाब से चलते हैं, ना कि अपने घर परिवार के माँ या कोई फ्रेंड के हिसाब से, अगर उनके हिसाब से चलेंगे तो हम गलत होंगे। तो हमें एक फिजिशियन के हिसाब से ही अपना जो भी इलाज है उसको करना चाहिए। अरे बोल, थैंक यू विनीत प्रभु। और प्रेमानंद प्रभु का पहले हाथ रेज किया था, वो भी कोई ग्रुप लीड कर रहे थे क्या? उनको अभी नहीं देख रहा हूँ और उनका नाम भी नहीं आ रहा है बाहर। हाँ आ गए, ओके अनम्यूट किया। यस प्रेमानंद प्रभु, यू आर ऑन स्टेज नाउ। पहले तो गीता का ज्ञान कैसे हमको लेना चाहिए, उसके पहले समझना है कि भागवत गीता क्या है। भागवत गीता वैदिक लिटरेचर का सबसे इम्पोर्टेंट उपनिषद है। तो इतना इम्पोर्टेंट चीज अगर हम लेंगे तो हमको कोई ना कोई यूनिवर्सिटी, जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी, वहां से लेना है। तो इस्कॉन हमारे लिए एक यूनिवर्सिटी जैसे ही है। और सेकेंड चीज जो है कि भागवत गीता हर टाइम गुरु परंपरा से ही लेना चाहिए, क्योंकि कृष्णा से जैसे गुरु परंपरा नीचे की तरफ आया है, वैसे अगर हमको मिलेगा तो हमारा शिक्षा एज इट इज मिलेगा। प्रभुपाद बोले कि सारा विश्व में बहुत तरह का भगवत गीता है, स्पेशली इंग्लिश और बांग्ला में, मगर हमको जो भगवत गीता कृष्ण के मुंह से एज इट इज मिला है वो कभी कभार मिस हो जाता है, क्योंकि वो लोग अपने अपने तरफ से कुछ ना कुछ प्रेजेंट कर देते। सेकेंड चीज, थर्ड चीज है कि अर्जुन जैसे कृष्ण के बहुत प्रिय सखा था, और उसके भी पहले जब अर्जुन ने भगवत गीता का ज्ञान रिसीव करना शुरू की तो कृष्ण को वो सखा के रूप से नहीं देखा, वो बहुत डिवोशनल रूप से देखा और डिवोटी के तरह वो ज्ञान को रिसीव किया कृष्ण से। तो हम तो अर्जुन के जैसा बन नहीं सकते, मगर थोड़ा बहुत डिवोशनली और एकदम सर्वेंट की जैसा कृष्ण से हमारा ये गीता का ज्ञान जो रिसीव हो रहा है वो हमको सोचना चाहिए कि हम कृष्ण का नित्य दास है। और एक चीज है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिसके ऊपर श्रील प्रभुपाद ने बहुत इम्पोर्टेंस दिया है, कि हमको हर टाइम ब्रह्म जिज्ञासा का खोज करना चाहिए कि हमारा मूल जो
ज्ञान है वो क्या होना चाहिए, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, और उद्देश्य है कि हमको बैक टू गॉड हेड, हमको भगवान के धाम वापस जाना है, तो वो कैसे कर्म की तरह हम वापस जा सकते हैं इजीली, वो हमको गीता का ज्ञान के माध्यम से मिल सकता है। और जो पांच चीज है जैसे ईश्वर, जीव, प्रकृति और कर्म, तो ईश्वर, जीव, प्रकृति और कला को हम कभी कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वो जैसे आया है हमको लेना है, मगर कर्म जो है तो कर्म को हमको कृष्ण के उपदेश के माध्यम से ही हम ठीक कर सकते हैं, और वो उपदेश और वो ज्ञान हमको भागवत गीता से मिलता है। कृष्ण भगवान है भावग्रही, तो वो हमारा भाव लेता है, तो हम अगर भक्ति भाव से भगवत गीता लेना चाहते हैं हमारे अंदर, तो कृष्णा जरूर प्लीज होगा और हमको आशीर्वाद करेगा ताकि हमको ठीक से शिक्षा मिल जाए भगवत गीता। हरे कृष्णा, थैंक यू परमानंद कृष्ण कीर्तन प्रभु। अभी मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन के ऊपर मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया, पूरा जो 30 पेज का इंट्रोडक्शन है उसको मैंने सिस्टमेटिकली प्रेजेंटेशन के रूप में बनाया, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा और नोट भी कर सकते हैं, जिनको नोट करना है नोट करिएगा और देखिएगा इसको। मैंने भगवद गीता के इंट्रोडक्शन को 6 भाग में डिवाइड किया, 6 पार्ट में डिवाइड किया है। आपको एक सेकंड स्लाइड, सो फ्रॉम द बिगिनिंग, ओके। तो ये 6 सब पूरा इंट्रोडक्शन को अगर आप स्टडी करेंगे तो 6 भाग में आपको डिवाइड हो जाता है। तो पहला उसमें हाउ टू रिसीव भगवत गीता, इसके ऊपर प्रभुपाद जी स्टार्टिंग में प्राय 5 से 10 पेज तक प्रभुपाद जी डिस्कस करते हैं कि भगवत गीता को कैसे ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद सेकंड पार्ट में प्रभुपाद जी बताते हैं कि परम सत्य क्या है, परम सत्य क्या चीज है, कौन है, कैसे है, परम सत्य किसको कहते हैं, ये दूसरा पॉइंट के ऊपर प्रभुपाद जी 4-5 पेज में डिस्कस करते हैं। उसके बाद प्रभुपाद 5 तत्वों के बारे में चर्चा करते हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, इसके ऊपर चर्चा होती है कुछ करीब 4-5 पेज इसके ऊपर है। और फिर पर्पज ऑफ भगवद गीता, भगवद गीता पढ़ने का उद्देश्य क्या है, इसके ऊपर भी हम देखेंगे प्रभुपाद ऑलमोस्ट 5-6 पेज के ऊपर डिस्कस करते हैं। और फिर बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन का भाग में लिखा है मृत्यु के समय कैसे भगवान को याद किया जाए, इसके ऊपर प्रभुपाद बहुत एलाबरेटली डिस्कस करते हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है, मटेरियल वर्ल्ड क्या है, हम कैसे बंध गए, कैसे यहाँ से निकलेंगे और निकलने के लिए क्या प्रोसेस करना, इसके द्वारा इंट्रोडक्शन प्रभुपाद का कंक्लूड होता है कि कैसे हम बहुत ही निकल जाए। और लास्ट में 2 पेज में प्रभुपाद भगवद गीता का महिमा बताते हैं जो कि गीता प्रेस गोरखपुर से लिया हुआ है, जो गीता का महिमा है। तो ये इस तरह से 6 भाग में पूरा इंट्रोडक्शन को डिवाइड करते हैं। तो पहला भाग हम आज डिस्कस करते हैं आपके साथ, जो मैंने आपको पूछा भी था क्वेश्चन में, वो हाउ टू रिसीव भगवद गीता। हाउ टू रिसीव भगवद गीता, सबसे पहले प्रभुपाद ने मेडिसिन का एग्जाम्पल दिया जो आप लोग ने कोट किया, ये 3 नंबर पेज पे है, 2 पैराग्राफ में मेडिसिन का एग्जाम्पल, जहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेडिसिन की बोतल के ऊपर लेबल रहता है तो उसके हिसाब से मेडिसिन खाना चाहिए। इसी प्रकार भगवद गीता में भगवद गीता को कैसे खाना है, ग्रहण करना है, वो भगवद गीता में लिखा हुआ है। तो भगवद गीता में लिखा हुआ है कि गीता को कैसे ग्रहण करना है, वो हमको उसका क्या लिखा है गीता में, गीता में लिखा है तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्व दर्शन। तो ये एक श्लोक है गीता में, और एक बहुत सारे बहुत जगह और एक जगह गीता में कृष्ण कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, तो भक्ति के द्वारा मुझे जाना जाता है, ये कृष्ण कहते हैं। और एक जगह कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। इस प्रकार भगवद गीता में जगह जगह भगवान ने कहा है कि कैसे हम भगवान को जान सकते हैं, कैसे हम गीता को जान सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। तो ये एक पहला बात था। दूसरा प्रभुपाद कहते हैं अगर आप भगवद गीता पढ़ते हैं तो कम से कम आपको ये मानना पड़ेगा कि कृष्ण कोई आदमी नहीं है। अगर कृष्ण कोई ऑर्डिनरी आदमी है, मनुष्य है,
अगर ऐसा आप सोचेंगे तो गीता का कोई वैल्यू नहीं है, फिर तो बाजार में हजारों बुक मिलती रहती है, उसके साथ गीता का कंपैरिजन नहीं हो सकता है। हाँ, कृष्णा इज द सुप्रीम, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जैसे जो बाइबल पढ़ेगा उसको जीसस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो बाइबल का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इसी प्रकार गीता अगर पढ़ेंगे तो कृष्ण इज द सुप्रीम ये मानना पड़ेगा, उसके बाद पढ़ना होगा। अगर कोई बोला कृष्ण इज हिस्टोरियन पर्सन, बहुत लोग बोलते कृष्ण वॉज अ ग्रेट पॉलिटिशियन, कृष्ण वॉज द हिस्टोरियन, तो जो लोग कृष्ण को हिस्टोरियन मानते हैं, पॉलिटिशियन मानते हैं, उनको गीता पढ़ने का अधिकार नहीं, क्योंकि गीता के अंदर लिखा है कि कृष्ण भगवान है। अगर गीता के अंदर की बात आप नहीं मानते तो फिर गीता को पढ़ने का कोई दरकार नहीं है आपको। तो ये बात है कि गीता को पढ़ना है तो कृष्ण को सुप्रीम मानना चाहिए। और फिर पेज नंबर 4 पे आता है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं विवस्वते योगम, भगवान कहते कि मैं परंपरा के द्वारा ये ज्ञान पहले सूर्यदेव को दिया था, परंपरा नष्ट हो गया, अब फिर से मैं अर्जुन को बोलते कि मैं तुमको अपना शिष्य बना के तुमको दिव्य भगवत ज्ञान दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि भक्तों से मैं सखा चेती, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो इसलिए मैं तुमको ज्ञान देता हूँ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हमें गीता का ज्ञान ग्रहण करना है तो हमें भक्त होना जरूरी है। तो जो भक्त है या सखा है वही गीता को समझ सकता है। तो सखा होने का मतलब ये नहीं कि सखा ही बनना पड़ेगा। प्रभुपाद कहते हैं 5 प्रकार के संबंध है, तो 5 प्रकार से संबंध के द्वारा भगवान से जो जुड़ेगा वही गीता को अच्छे से समझ पाएगा। तो 5 प्रकार के संबंध आपने पढ़े, सक्रिय निष्क्रिय। सक्रिय निष्क्रिय मतलब बहुत लोग समझते होंगे क्या इसका मतलब है। सक्रिय का निष्क्रिय का मतलब है शांत रस। शांत रस जो योगी होते हैं ध्यान में बैठते हैं भगवान का ध्यान करते, शांत रस मन। और सक्रिय का अर्थ है दास रस, जैसे हनुमान जी है दास है। उसके बाद तो सख्य रस तो समझ गया, सख्य रस मतलब अर्जुन, वात्सल्य रस जानते हैं, और माधुर रस। ये 5 प्रकार के रसों से संबंध से जुड़ने के बाद भगवद गीता को ठीक से समझ में आएगा। तो ये भगवान कहते हैं। और फिर आगे अर्जुन ने जब गीता पढ़ा था तो अर्जुन ने गीता पढ़ने के बाद सुनने के बाद कंक्लूड किया कि परब्रह्म परम धाम, हे कृष्ण आप परब्रह्म हैं, आप परम धाम हैं, आप परम पवित्र हैं। अर्जुन ने एक्सेप्ट किया ये बात गीता में। तो हम लोग जब गीता पढ़ेंगे तो अर्जुन की बात को हमें एक्सेप्ट करना होगा। एक्चुअली क्या है, गीता के अंदर में बहुत डिटेल में सब आएगा, तो यहाँ पर बहुत ब्रीफली कहा गया। एक श्लोक है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अभिम, भगवद गीता का 4th अध्याय का 1 नंबर श्लोक है। ये श्लोक आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ 4.1 पढ़ लीजिएगा, वहां पर लिखा है भगवान कि मैंने विवस्वते मतलब सूर्यदेव, मैंने सूर्यदेव को ये ज्ञान दिया था। और एवं परंपरा 2 नंबर श्लोक है 4.2, तो आप पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैं सोचा आप लोग सब जानते होंगे इसलिए मैं ब्रीफली बता रहा था, कोई बात नहीं। तो एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालेन महता योगो नष्ट परम तपः। ये भगवत का 4th अध्याय का स्टार्टिंग के 2-3 श्लोक हैं, जिसमें भगवान कहते हैं कि ये परंपरा से ज्ञान आ रहा था। एवं परंपरा मतलब इस प्रकार, एवं मतलब इस प्रकार परंपरा से ज्ञान आ रहा था लेकिन परंपरा टूट गई। ये सब आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में 4th अध्याय में जाके कि क्यों टूट गई परंपरा। ओके, फिर अर्जुन ये भी कहते हैं कृष्ण को कि हे कृष्ण नहीं ते भगवान व्यक्तिम विदुर देवा। यहाँ पर जो जो मैंने लिखा है वो संस्कृत के शब्द है, जो श्लोक का पहला अक्षर है, एक एक श्लोक का पहला पहला अक्षर लिखा हुआ है। तो नहीं ते भगवान व्यक्तिम विदुर देवा न दानवा। तो कृष्ण अर्जुन कहते हैं, प्रभुपाद ने भी इसको यूज किया लेकिन प्रभुपाद डायरेक्ट हिंदी वो इंग्लिश में आपको मिलेगा, उसका मैं संस्कृत लिख दिया। तो अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण आपको देवता और दानव भी नहीं समझ सकते हैं। तो कौन समझता है? ओनली डिवोटी, केवल भक्त लोग ही भगवान को जान सकते हैं। फिर कृष्ण स्वयं रहस्यम ये तद उत्तमम, भगवान खुद कहते हैं, ये जो लैंग्वेज मैंने यूज किया ये उधर इंट्रोडक्शन में है, ये सब श्लोक प्रभुपाद ने कोट किए हैं, वहां से एक एक शब्द उठाया। कृष्ण कहते गीता रहस्यमय है, मिस्टीरियस है, रहस्यमय। और कौन सा रहस्य? उत्तम रहस्य, मतलब बहुत बहुत ज्यादा ही मिस्टीरियस है, बहुत रहस्यमय ज्यादा, इसलिए भक्त बने बिना इस रहस्य में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। जैसे उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, एक मधु का बोतल है, शहद का बोतल है,
शहद के बोतल को अगर स्वाद लेना है तो ढक्कन खोल के अंदर में हाथ रख के फिर शहद को चख सकते हैं, लेकिन अगर कोई मच्छी आके बोतल के बाहर बैठती है उसको देख के उसको स्वाद नहीं मिलता है। इसी प्रकार भगवत गीता का अगर भक्त बनेंगे तो अंदर में प्रवेश करके रस का आस्वादन कर पाएंगे, लेकिन अगर ज्ञानी और स्कॉलर बन के गीता पढ़ेंगे तो वो मधुमक्खी जैसा बाहर से चखने जैसा होगा, खाली अक्षर दिखेंगे, खाली संस्कृत दिखेगी, खाली ग्रामर दिखेगा, लेकिन भगवान का जो अंदर में कृपा है करुणा है वो नहीं दिखेगा भक्त बने बिना गीता के अंदर। और फिर 8 नंबर पेज में बॉटम टॉप में प्रभुपाद कहते हैं कि अर्जुन एक्टेड एज, अर्जुन ने अभिनय किया कि अज्ञानी का, वास्तव में अर्जुन तो भगवान के परम भक्त है, पार्षद है, उनको कोई अज्ञान में नहीं है, लेकिन अज्ञान का उन्होंने एक अभिनय किया ताकि हम लोग अर्जुन की कृपा से हमको भी वो ज्ञान मिल जाए। फिर आगे आगे अर्जुन कहते हैं सर्वम ये तद रतम मन्ने, रतम मतलब परम सत्य, तो अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान आपके एक एक अक्षर को मैं परम सत्य मानता हूं। तो हम लोग जब भगवत गीता का अध्ययन करेंगे तो हमें भगवत गीता के एक एक अक्षर को परम सत्य मान के स्वीकार करना चाहिए, उसमें ऐसा कोई भी एक वर्ड भी नहीं है, एक अक्षर भी नहीं है जो गलत हो। जिसका प्रमाण क्या है, इसका प्रमाण है कि 5000 साल पहले गीता लिखा हुआ है ना, और आप इंडिया के किसी भी कोने में जाइए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब जगह आपको 700 श्लोक वाला गीता मिलेगा और एक अक्षर भी आपको इधर उधर चेंज नहीं मिलेगा, सेम टेक्स्ट बुक है, 5000 साल हो गया, कोई मिस्टेक नहीं। और हम लोग का जो स्कूल का टेक्स्ट बुक होता है वो हर 5 साल से 6 साल के बाद उसको एडिटिंग करना पड़ता है, बहुत सारी मिस्टेक निकलती रहती है, जिसको हम पढ़ के परीक्षा देते सारा जीवन ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। और साइंस का बुक तो पूरा चेंज कर देते, क्योंकि एक थ्योरी आता है वो दूसरा कोई साइंटिस्ट आता है प्रीवियस थ्योरी को खंडन कर देता है, नया थ्योरी आता है तो पहले का झूठा बताया जाता है और अभी का नया सत्य आता है, फिर उसको 6 साल बाद वो सत्य गलत हो गया, फिर दूसरा सत्य आता है। लेकिन गीता का जो ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान, वो 5000 साल पहले लिखा, लेकिन अभी तक उसमें एक भी वर्ड आप गलत नहीं ठहरा सकते हैं। इसलिए अर्जुन कहते हैं सर्वम एतद रतम मन्ने, इसलिए हम लोग को पूरे पूरा गीता एज इट इज हर श्लोक को स्वीकार करना होगा। ऐसा नहीं कि कुछ श्लोक को हम स्वीकार करेंगे, कुछ को बाद देंगे, कि ये श्लोक भगवान ने कहा है इसलिए सत्य है, लेकिन ये श्लोक गलत है, ये श्लोक भगवान ने नहीं बोला, ये श्लोक ठीक नहीं, ऐसा नहीं। 700 के 700 श्लोक हमें एज इट इज स्वीकार करने चाहिए। इसके लिए प्रभुपाद ने उदाहरण दिया अर्ध कुक्कुटी न्याय, अर्ध मतलब आधा, कुक्कुटी मतलब मुर्गा, तो मुर्गी जो सोने का अंडा देती है, हाँ वो अगर सोने का अंडा देती है तो हम अंडा लेने के लिए बहुत उत्साही हैं, हमको अंडा चाहिए, लेकिन मुर्गी को हम भोजन नहीं देना चाहते, हम उसके मुंह में खाना नहीं डालना चाहते क्योंकि वो महंगा पड़ता है, तो मुर्गी को काट डालेंगे तो फिर अंडा भी बंद हो जाएगा। इसी प्रकार भगवत गीता का हमको सिलेक्टिव टेक्स्ट हम उठा लेंगे, जो हमारे जीवन में लग जाता है उसको हम उठा लेंगे और उसको हम बोलेंगे कि हाँ हम गीता का पालन करें, और कुछ सिलेक्टिव श्लोकों को हटा देंगे तो क्या होगा, गीता का पर्पस लॉस्ट हो जाएगा ऐसा करने से, जैसे मुर्गी मर जाने से अंडा नहीं मिलता। तो ये बात प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं 6 नंबर पेज के में। उसके बाद आगे चल के प्रभुपाद कहते हैं अपौरुषेया, भगवत गीता ज्ञान अपौरुष है, अपौरुष मतलब कोई पुरुष, कोई आदमी, कोई मनुष्य ने नहीं बनाया, ये साक्षात भगवान के अवतार व्यास देव ने इस गीता को लिखा है। और व्यास देव जो है 4 डिफेक्ट से फ्री है, 4 डिफेक्ट क्या है वो भी तात्पर्य में 15 नंबर पेज में है, वो मिस्टेक करना, भ्रमित हो जाना, चीटिंग करने की प्रोपेंसिटी है, इंद्रियों की अपूर्णता है, ये 4 डिफेक्ट से मनुष्य में रहते हैं। लेकिन जो शास्त्र लिखने वाले जो व्यक्ति हैं व्यास देव, उनके अंदर ये 4 डिफेक्ट नहीं है, फ्री फ्रॉम 4 डिफेक्ट है वो, कभी व्यास देव कभी गलती नहीं कर सकते हैं, भ्रमित नहीं हो सकते हैं, उनकी इंद्रियां हमारे जैसे अपूर्ण नहीं है, उनके अंदर चीटिंग प्रोपेंसिटी नहीं है, इसलिए भगवद गीता का शास्त्र अपौरुष है। और लास्ट में करिष्ये वचनम तव, तो अर्जुन ने जब भगवद गीता सुना, पूरा गीता सुनने के बाद कृष्ण ने पूछा कि हे अर्जुन तुमको क्या गीता समझ में आ गया,
तुम क्या जो मैं बोला हूँ समझ पाए, सब कुछ कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है? तो अर्जुन कहते कि नहीं, मैं समझ गया हूँ, तो क्या समझे बताओ। तो एक अक्षर में करिष्ये वचनं तव, कंक्लूजन ये हुआ गीता का कि हे कृष्ण आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा, मैं और कुछ नहीं समझता हूँ। यू आर द सुप्रीम पर्सन, और आपकी बात सुनना, आपकी बात के ऊपर जीवन को चलाना, यही परम भक्ति है, इसके दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो अगर हम गीता पढ़ेंगे तो हमारा लाइफ में परिवर्तन आएगा, और अल्टीमेट स्टेज हमारा लाइफ का ये होगा कि करिष्ये वचनं तव, मतलब कृष्ण जो बोलेंगे का अक्षर अक्षर हम अपने लाइफ में पालन करेंगे। अगर ये हमारे लाइफ में आ जाता है तो हम गीता को स्टडी ठीक हुआ हमारा, गीता को हम अपने लाइफ में प्रयोग किए। लेकिन बहुत लोग गीता के ऊपर पूरी दुनिया में लेक्चर दे रहे हैं लेकिन गीता के एक भी श्लोक को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो वो बेकार के, वो गीता उनका स्टडी नहीं हुआ है और उन्होंने गीता को स्वीकार नहीं किया है बाय हार्ट। वो खाली अपना अपने प्रशंसा के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए गीता का प्रवचन करते रहते हैं सबको बताने के लिए कि हमारे पास कितना नॉलेज है। तो इसलिए करिष्ये वचनं तव, ये एक्चुअली गीता का सार है कि हम गीता की वाणी को 100% अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दें। ठीक है, ये मैंने आपको प्रेजेंटेशन दिया पहले सब्जेक्ट के ऊपर, हाउ टू रिसीव भगवद गीता।